दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को डोरी पाइपिंग रखे एक नया नेक डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए। इसके लिए देखिए हमें दो गला काटना पड़ेगा। थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा रखे, देखिए 5 इंच चौड़ाई और 7.5 इंच डीप रखे इसका गला बना लेता हूँ। यू शेप में बना लेता है, ठीक है। इसी तरह मार्किंग करके हम इसका शेप बना देता है। इसमें हम सिंबल यू शेप दे रहा हूँ और कोई शेप नहीं देता है। ये देखिए ये हमारा बाहर वाला नेक का साइज और शेप बन गया हुआ है। अभी हम इसको काट के निकाल लेते हैं। ओके, अभी देखिए हमारा ये नेक पूरा तैयार हो गया। अभी हम इसी नेक को रख के इसका दूसरा नेक काट लेता हूँ। ये देखिए इसके लिए हम सबसे पहले पेपर कैनवास इसी तरह फोल्ड करके रखा है। उसके बाद में ये जो पीस हमने काट के निकाला पहले वाला नेक से, उसको इसी तरह रख के हम मार्किंग कर लेते हैं। ऊपर से आधा इंच नीचे की तरफ रख के हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी हमारा जो पहले वाला नेक का बराबर शेप आ गया। अभी हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए 4 इंच चौड़ाई में कर लेता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब जगह हम 1 इंच अंदर की तरफ रख के इसी तरह ड्रॉ कर लेता है, तभी हमें जो नेक एकदम परफेक्ट शेप में आएगा। इसके लिए हम इसी तरह मार्किंग करके काट लेते हैं इसको। ठीक है, ये भी अभी हमारा नेक तैयार हो गया। अभी इसको भी हम काट के निकाल लेते हैं। अभी देखिए हमारा दोनों नेक तैयार हो गया। अब ये दोनों हमें कपड़े में आयरन करके चिपकाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा दूसरा नेक है और ये हमारा पहले वाला नेक है, ये उससे भी 1 इंच बड़ा है साइज में। ठीक है, अभी हम दोनों अलग अलग कपड़े में चिपका लेते हैं। ये देखिए हमारा एक कुर्ती वाला फ्रंट पैनल है, उसका लाइनिंग वाला पीस है ये, सीधा लाइनिंग में मैंने इसको चिपकाया हुआ है। अभी इसको रख के अटैच कर लेते हैं हम सबसे पहले। अभी हम इसको काट के इसको पीछे की तरफ मोड़ देते हैं, जैसे हम नॉर्मल लाइनिंग वाला कुर्ती बनाते हैं उसी तरह ही इसको काट के अभी पीछे की तरफ मोड़ देते हैं। मोड़ के अच्छी तरह आयरन कर लेने का आप लोग, इसी तरह काट देगा तो वो अच्छी तरह मुड़ जाता है। ये देखिए ये हमारा दूसरा नेक है, ये दूसरा नेक को भी इसी तरह हम कपड़े में चिपकाया हुआ है, उसको दूसरा एक लाइनिंग वाला कपड़े के साथ इसी तरह रख के अटैच कर देता है। ये देखिए हम काट के निकाला हुआ है, इसको अंदर वाला साइड भी हम इसी तरह काट के इसको निकाल देता है।
इसको भी हम दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। ये देखिए इसमें लगाने वाला एक लूप है ये, जो हमारा डोरी वाला पाइपिंग है ये। देखिए इसको इसी तरह हम गांठ बांध लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी तरह हम इसमें एक नॉट बनाया हुआ है अभी। ये जो नॉट रख के हम इसका डिजाइन बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह ही आप लोग ये नॉट बनाने का, कभी भी आप टुकड़ा टुकड़ा करके इसी तरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ देगा। इसी तरह जो डोरी वाला पाइपिंग लंबा लेके उसमें इसी तरह बांध के आप बना देगा तो आपको जल्दी ये काम ख़त्म हो जाएगा और अच्छा फिनिशिंग भी मिल जाएगा ये जो नॉट का, ठीक है। इसी तरह इसको पूरा जितना चाहिए उतना आप बनाना पड़ेगा। ये गले में एक एक इंच गैप रख के हम इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सुंदर नॉट आप लोग बना लेने का। ठीक है, ये देखिए उसके बाद में देखिए ये जो सेकंड नेक है हमारा, उसको इसी तरह मैंने मार्किंग किया हुआ है। एक एक इंच का डिस्टेंस रख के इसी तरह मार्किंग किया हुआ है। ये मार्किंग के हिसाब से हम इसमें ये जो गांठ बांध के हमने ये पीस बनाया हुआ है उसको अटैच कर लेते हैं। सिंगल प्रेशर फुट डाल के ये अटैच कर देता है, तभी काम आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ये अंदर वाले साइड इसी तरह पूरा अटैच करके निकाल देने के उसके बाद में इसको बाहर वाले साइड भी हम सिलाई कर देते हैं। ठीक है, अभी बाहर वाला साइड भी देखिए इसी तरह जो लाइन हमने मार्किंग किया हुआ है वो लाइन के हिसाब से वो लाइन में रख के सिलाई कर देने का, नहीं तो आपको अच्छा फिनिशिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसी तरह एकदम अटैच हो गया हुआ है। अभी जिस जो इसमें एक्सेस है उसको हम काट के निकाल लेते हैं, अंदर वाली साइड भी बाहर वाली साइड भी। ठीक है, ये अभी हमारा तैयार हो गया। अभी हमको इसको इसी तरह अटैच करना पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रिंटेड कपड़ा है हमारा, इसलिए हमें इधर एक पाइपिंग लगा देते हैं हम। ठीक है, इधर हम पाइपिंग उरे पट्टी काट के वही लगा देते हैं सीधा। ये देखिए हम इधर 1.25 इंच का एक पट्टी लिया हुआ है, उरे पट्टी लिया हुआ है, उसको इसी तरह लग के हम अटैच कर देते हैं सीधा। वो भी एक पैर की चौड़ाई में हम सिलाई कर देते हैं, उसके बाद में उसको पीछे की तरफ हम मोड़ के सिला लेता है। ठीक है, अभी देखिए इसको इसी तरह एक और बार अंदर की तरफ मोड़ के हम सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी एकदम तैयार हो गया हमारा। अभी हमें इसमें नेक अटैच कर सकता है। ये देखिए इसको इसी तरह बराबर रख के हम पिन मार के इसको सीधा अटैच कर लेता है। ठीक है, बराबर नाप के इसको लेने का, नाप के लेने के बाद में इसको देखिए ये पिन मारा हुआ है। पिन मार के अभी हम इसमें सीधा ये पाइपिंग के किनारे से ये अटैच कर देते सीधा।
ये देखिए हमारा सुंदर नेक अभी लग गया हुआ है। अभी इसके अंदर वाले साइड में भी हम एक पाइपिंग लगा देते हैं, जैसा हमने इधर लगाया वही सेम हिसाब से हम दूसरा एक पाइपिंग इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, जैसा हमने इधर लगाया वही सेम हिसाब से लगा देता है, वही तरीका है। लेकिन इसमें एक काम किया हुआ है, इसका एक किनारा हम मोड़ के सिलाई किया हुआ है। अभी इसको भी हम मोड़ के सिलाई करता है। मोड़ के सिलाई करने के बाद में हमारा नेक वाला काम इधर फिनिश हो जाता है। आप लोग भी ज़रूर ये वाला नेक ट्राई कर लीजिए। अगर आप प्लेन कपड़े में ये लगाएगा तो आपको काम थोड़ा ईजी होएगा, उसमें आपको ये पाइपिंग लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये प्रिंटेड मटेरियल है, वो करके मुझे इसमें पाइपिंग लगाना पड़ा। ये देखिए हमारा नेक एकदम तैयार हो गया हुआ है, ज़रूर आप लोग ट्राई कर लीजिए। अभी अगले एक अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।